गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन एस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक है राजस्थान के खनिज संसाधन, ये बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री कोरे लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर व अन्य सबॉर्डिनेट सर्विसेज में इसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने और तैयार करें। सबसे पहले राजस्थान के खनिज संसाधन पार्ट वन के अंतर्गत खनिजों का क्षेत्रीय वितरण। राजस्थान में खनिजों का क्षेत्रीय वितरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में केंद्रित न होकर बिखरे हुए रूप में मिलता है, तथा साथ ही खनिजों की मात्रा भी असमान पाई जाती है। राज्य के अधिकांश उत्पादित खनिज भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक आदि जिलों में खनन किए जाते हैं। भीलवाड़ा मुख्य रूप से अभ्रक, स्टेटाइट, घिया पत्थर और तांबड़ा के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम है। कोटा में चूने के पत्थर तथा अन्य इमारती पत्थरों की खाने हैं। अजमेर का स्थान अभ्रक, संगमरमर, एस्बेस्टास, तांबड़ा, इमारती पत्थरों की महत्वता के कारण प्रसिद्ध है। जोधपुर जिला बलुआ पत्थर, संगमरमर, इमारती पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम आदि खनिजों का उत्पादन करता है। इसी प्रकार जयपुर जिला, उदयपुर जिला सीसा, जस्ता, पन्ना, लोह अयस्क, अभ्रक आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन करता है। जयपुर जिले में नमक, घिया पत्थर, अभ्रक, लोह अयस्क और चूना पत्थर तथा सवाई माधोपुर में इमारती पत्थर आदि का उत्पादन किया जाता है, जबकि टोंक जिले में अभ्रक तथा तांबड़ा निकाला जाता है। राजस्थान में विविध प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति खनिज संपदा के संदर्भ में निम्न प्रकार है। पहला, वे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है उसके अंतर्गत जस्ता, सीसा, संगमरमर, चांदी, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फॉस्फेट और कैडमियम आदि हैं। दूसरा पॉइंट, वे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है उसमें जिप्सम, एस्बेस्टस, सिलिका, टंगस्टन, तांबा और इमारती पत्थर आदि प्रमुख हैं। वे खनिज जिनका राजस्थान में कमी है उनमें लोहा, मैंगनीज, कोयला, पेट्रोलियम, क्यूनाइट, ग्रेफाइट, बेंटेनाइट, स्लेट पत्थर और टूरमेलाइन आदि प्रमुख हैं। वे खनिज जिनमें राजस्थान का हिस्सा तथा उत्पादन नगण्य है उनमें बैराइट, क्ले अमृतिका, वर्मेकुलेट आदि प्रमुख हैं। तो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज यानी कि मेटल्स। इन खनिजों के अयस्कों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूल खनिज अलग अलग किए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, बेरिलियम, तांबा, कैडियम और वॉल्फ्रामाइट।
इसके अलावा दूसरा जो है अधात्विक खनिज नॉन मेटल्स, उसके अंतर्गत जो मुख्य हैं ऊष्मारोधी, उच्च ताप सह और मृत्तिका खनिज। इसके अंतर्गत एस्बेस्टस, फेल्सपार, कांच, बालुका, क्वार्ट्स, मैग्नेटाइट, वर्मेकुलेट, वॉलस्टोनाइट, चीनी मृत्तिका, अग्निसह मिट्टी और डोलोमाइट आदि प्रमुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं आण्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक व यूरेनियम, बहुमूल्य पत्थरों में पन्ना व तांबड़ा, रासायनिक खनिज में नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लुस्पर और फ्लोराइट, उर्वरक खनिज में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट मुख्य हैं, तथा इसके अलावा कुछ गौण खनिज हैं जैसे बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट और इमारती पत्थर। अन्य खनिजों के अंदर स्टेटाइट, कैल्साइट, आक्रेस आदि हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है जिसमें ईंधन जो है खनिज, उसमें लिग्नाइट खनिज तेल निकलता है। तो सबसे पहले हम अब धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। धात्विक खनिज में सबसे पहले लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर। राजस्थान लोह अयस्क और सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। इस राज्य में लोह अयस्क की विभिन्न किस्में छोटे छोटे जमाव क्षेत्रों में मिलती हैं। सभी उत्पादित अयस्क हेमेटाइट श्रेणी के हैं। ये महत्वपूर्ण है, हेमेटाइट श्रेणी का लोहा मिलता है। मैग्नेटाइट किस्म कुछ स्थानों पर क्वार्ट्स के रूप में साथ में मिलती है। लोह अयस्क जो है इसका जो क्षेत्र है राजस्थान में, लगभग सभी लोह अयस्क जमाव राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में मिलते हैं। तो अब ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं लोह अयस्क के लिए, वो देखिए। मोरिजा बैनाल क्षेत्र, ये जमाव क्षेत्र जयपुर जिले की आमेर तहसील में तथा चोमू सामोद रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। राज्य में यह बहुत ही प्रमुख अयस्क जमाव होते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत कई चालू खाने हैं जैसे टोडा चिपलाता, थोई बानिया का बास, तातेरी, बागावास, भाटी की गली आदि। यहाँ पर मुख्य रूप से हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। इसके बाद में जो दूसरा क्षेत्र है नीमला रायसेला क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में लोह अयस्क जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तथा दौसा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर उत्तर में नीमला गांव के निकट के क्षेत्रों में मिलता है। इस क्षेत्र के अन्य भंडारों में भानगढ़ है, रतनपुरा है, राजगढ़, टहला आदि क्षेत्र हैं। प्रमुख लोह अयस्क भंडार नीमला से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ लोह अयस्क की अच्छी किस्म है और इसका लगभग उत्पादन 10 लाख टन है। इसके बाद में तीसरा जो है डाबला सिंघाना नीम का थाना क्षेत्र। इस क्षेत्र में डाबला स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में पाए जाते हैं। बड़े जमाव टेउंडा और काली पहाड़ी के समीप स्थित हैं। नीम का थाना लोह अयस्क क्षेत्र दो समानांतर क्षेत्रों में मिलता है। यहाँ पर घटिया किस्म का लोहा और फास्फोरस की मात्रा, उस जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, वो खनिज पाया जाता है। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र,
दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को भी तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है नाथरा की पाल। ये जमाव उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में थाना गांव के समीप स्थित है। इस क्षेत्र में 20 लाख टन हेमेटाइट लोह अयस्क के भंडार हैं, जो लगभग 30 मीटर की गहराई तक मिलते हैं। इसमें लगभग 52% की शुद्धता पाई जाती है। उसके बाद में थूरहुंडेर क्षेत्र। ये जमाव क्षेत्र उदयपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ लोह अयस्क हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में लोह अयस्क के अन्य क्षेत्र बूंदी जिले के लोहारपुरा, भीलवाड़ा जिले में इंद्रगढ़, बांसवाड़ा जिले में कमलपुरा और लांपा, डूंगरपुर जिले में तरवाड़ा, खामेरिया और लोहारिया गांव तथा झालावाड़ जिले में पादरपाल व डाग आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये लोह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र जो मैंने बताया, उसके बाद में दूसरा जो खनिज है वो है मैग्नीज। राजस्थान में मैग्नीज की कच्ची धातु मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में पायरोलुसाइट, ब्राउनाइट, साइलोमिलेन खनिज के रूप में मिलती है। ये जो कच्ची धातु का नाम आपको याद रखना है, बांसवाड़ा जिले में इसकी खाने लीलवानी, नराड़िया, सिवोनिया, कालाकुआ, घाटिया, कांसला, सागवा, इटावा, तिमोरी, खेड़िया, काचला, भोरिया, सनालकाई, गोयका, बारीकूटा व तलवाड़ा आदि क्षेत्रों में है। कुछ मैग्नीज अयस्क उदयपुर जिले के नगेड़िया, स्वरूपपुरा में और रामोसन गांव के निकट भी मिलते हैं उदयपुर जिले में। जयपुर के निकट अलवर क्वार्टसाइट शिलाओं की दरारों में मैग्नीज अयस्क का पता चला है। सवाई माधोपुर जिले की बोनली तहसील में गंगवाड़ा के निकट रेवासा में भी यह खनिज निकाली जाती है। तो इस प्रकार से मैंगनीज के बाद में टंगस्टन, राज्य में टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। इनके जो अयस्क हैं इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वुल्फ्रेमाइट अयस्क। नागौर जिले के डेगाना भाखरी स्थित टंगस्टन परियोजना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में टंगस्टन प्राप्त होने का अनुमान है। डेगाना स्थित यह खान संपूर्ण देश में एकमात्र टंगस्टन की खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो मुख्य है डेगाना टंगस्टन के लिए फेमस। अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर स्थित गांव जैसे सेवरिया, पिपलिया, बीजाथल आदि में टंगस्टन की प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। पाली व सिरोही में इसके कुछ भंडारों का पता चला है। वर्तमान में सिरोही जिले में वोल्टा गांव में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। तो ये टंगस्टन के क्षेत्र हो गए। उसके बाद में सीसा व जस्ता सांद्र यानी कि लेड एंड जिंक। भारत में सीसा और जस्ता सांद्र का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है, राजस्थान ही करता है। राजस्थान में जस्ता सीसा मिश्रित रूप में मिलता है। सीसा जस्ता मिश्रित इस अयस्क को गैलेना कहते हैं। राज्य में इस अयस्क के 3,330 लाख टन भंडार हैं।
इन धातुओं का लगभग समस्त उत्पादन उदयपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित जावर खानों से प्राप्त होता है। राजस्थान में जस्ते हुए शीशे का उत्पादन 2001 में 3.66 लाख टन था और राजस्थान में शीशा और जस्ता का वितरण दो क्षेत्रों में सीमित है। पहला है दक्षिण पूर्वी प्रदेश। जस्ता एवं शीशा के अधिक महत्वपूर्ण जमाव उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जावर में मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, जावरमाला पहाड़ियों में मिलते हैं। मौजूदा खाने मोचिया मगरा पहाड़ी पर स्थित है। खनन धातुओं में औसतन लगभग 5% शीशा व 7% जस्ता होता है। क्षेत्र के शीशे जस्ते के समुचित प्रयोग के लिए उदयपुर व देवारी नामक स्थान पर भारत सरकार का जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित किया हुआ है। उदयपुर के ही राजपुरा दरीबा क्षेत्र में जस्ते व शीशे के भंडार लगभग 30 लाख टन होने का अनुमान है। अन्य स्थानों में मुख्य उदयपुर जिले में ऋषभदेव और देवारी, डूंगरपुर जिले में घूघरा और मांडो, बांसवाड़ा जिले में बार डालिया गांव आदि प्रमुख हैं। भीलवाड़ा जिले में अंगूचा गांव के आसपास जस्ते के अपार भंडार मिले हैं। भीलवाड़ा का अंगूचा गांव और चित्तौड़गढ़ जिले में चंदेरिया प्रमुख है, जहां पर ब्रिटेन की सहायता से संयंत्र लगाया हुआ है। इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी प्रदेश। इस प्रदेश में दो क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा नामक क्षेत्र, जहां 100 मीटर लंबा और 8 मीटर गहरी खान है चौथ का बरवाड़ा। अलवर जिले में गुड़ा किशोरीदास। तो ये जो क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण है। उदयपुर जिले के उत्तरी सिंदेसर रिज ब्लॉक में तथा अजमेर जिले के सावर बास्ता क्षेत्र में एवं कायड़ क्षेत्र में भी शीशा जस्ता के भंडारों का पता चला है। इसके बाद में बेरिलियम खनिज जो है ये बेरिलियम पदार्थ बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। यह कई रंगों में जैसे हरा, हल्का हरा, पीला और सफेद रंगों में मिलता है तथा तोड़ने पर पारदर्शी जैसा दिखाई देता है। राजस्थान में अच्छे किस्म का बेरिलियम पाया जाता है और इसका अणुशक्ति में प्रयोग होने के कारण महत्व काफी अधिक है। अणुशक्ति में इसको, एटॉमिक एनर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस धातु को खरीदने का एकाधिकार इसलिए भारत सरकार को ही है, प्राइवेट या और कोई इसको नहीं खरीद सकता। देश में राजस्थान व बिहार इसका नियमित उत्पादन करने वाला राज्य है और राजस्थान में उदयपुर और जयपुर जिलों के कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अन्य क्षेत्रों में भीलवाड़ा, टोंक, सीकर व अलवर जिले प्रमुख हैं। तो उदयपुर जिले में कौन सा क्षेत्र है? शिकारवाड़ी, सिले का गुड़ा, चंपा गुड़ा और रान आमेट हैं। बिरल इन स्थानों की खानों से खनिज की कम मात्रा होने तथा उत्पादन पर अधिक लागत आने के फलस्वरूप ये यहाँ पर आर्थिक रूप से खनन नहीं किया जाता क्योंकि कॉस्ट महंगी पड़ती है। जयपुर जिले में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी। गुजरवाड़ा खाने किशनगढ़ क्षेत्र से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में तथा बांदर सिंदरी 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भीलवाड़ा जिला, इसमें देवड़ा गांव और तिलोली गांव में बेरिलियम मिलता है। मेजा, शिवराती, एकलिंगपुरा आदि गाँव में भी थोड़ा बिरल पाया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में
डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के पादरी क्षेत्र में अभ्रक के साथ बेरिलियम प्राप्त हुआ है। बेरिलियम सीकर जिले के टोडा, बूचरा, चूरला और सावलपुरा क्षेत्रों में तथा टोंक जिले में माधोराजपुरा, शंकरवाड़ा और धोली में मिलता है। नीम का थाना से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व के कुछ गांव में भी यह खनिज पाया जाता है। इसके बाद में जो तांबा क्षेत्र है, तांबा अलोह धातु पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण है। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम संचालक है, इसलिए ये बिजली के तार वगैरह बनाने में काम आता है। तांबे की खाने वैसे तो राजस्थान में कई स्थानों में पाई जाती हैं, लेकिन झुंझुनू जिले में खेतड़ी, सिंघाना और अलवर जिले में खोदरीबा खान महत्वपूर्ण है। तो खेतड़ी में जो सिंघाना क्षेत्र है, यहाँ पर माउंडा स्टेशन से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ कोलन और मंधान पुरानी खदान सिंघाना के समीप है, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा खेतड़ी क्षेत्र है, पपराना के पश्चिम में अखवाली खाने हैं, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बबाई के पश्चिम में पुरानी खदानें, बरखेड़ा आदि खानों में पाया जाता है। तांबे की प्रमुख खान खेतड़ी के निकट सिंघाना में है। इसे निकालने का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम खेतड़ी द्वारा किया जा रहा है। देश में तांबा शोधक कारखाना खेतड़ी में स्थापित किया गया है। हाल ही में यहां प्रदूषण निवारण के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से एक संयंत्र स्थापित किया गया है। खेतड़ी तांबा संयंत्र की उत्तर दिशा में बनवास क्षेत्र में भी लोहायस्क के इसके तांबे के भंडार हैं। खोदरीबा क्षेत्र जो है, तांबे की खाने अलवर शहर के लगभग 48 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में खोदरीबा गांव के निकट भी इसका पहाड़ियों के पास स्थित है। इसके दरीबा में तैयार सांद्र को पिघलाने और शुद्ध करने के लिए खेतड़ी तांबा परियोजना में यह अयस्क ले जाया जाता है। इसके अलावा देलवाड़ा किरावली क्षेत्र जो है उदयपुर में है, जो कि लगभग 30-40 किलोमीटर दूर देलवाड़ा गांव के निकट इस क्षेत्र की खाने हैं। अन्य क्षेत्रों में भोपाल सागर, रेलमगरा, दरीबा गांव, ये बीकानेर में बीदासर गांव, भीलवाड़ा में पूर के निकट, चूरू, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ जिलों में भी बिखरे हुए रूप में ये अयस्क पाया जाता है। इसके बाद में जो सोना जो खनिज है, भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में स्वर्ण खनिज का पता चला है। इसमें सिरोही जिले में बसंतगढ़, पीतेला, गोलिया, अंजारी आदि जिलों में अन्य लोह धातुओं के साथ तथा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में स्वर्ण अयस्क की उपस्थिति के संकेतों का पता भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगाया गया है। जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से जो ये धात्विक खनिज हैं, इसको मैंने पार्ट 1 लेक्चर के अंदर कवर किया है। दूसरे लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 के अंदर हम अधात्विक खनिजों को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है, ये इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें याद करने का है, मानचित्र में इसको प्रदर्शित करें, जिससे कि बार बार प्रदर्शित करेंगे तो आपको ये जो क्षेत्र हैं, उत्पादन क्षेत्र, इनका नाम वगैरह याद करने में आसानी रहेगी। ये जो लेक्चर है यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।